गुड मॉर्निंग। तो आज की गुड मॉर्निंग मैं कर रही हूँ बाहर सुबह, और ये सारे कपड़े कल के लिए हो गए थे, सूखे ही नहीं। तो फिर अभी सुबह उठ के सबसे पहले कपड़े यहाँ डाल दिए, क्योंकि बारिश बालकनी में बहुत ज़्यादा थी। और इधर देखिए मौसम कैसा हो रहा है, ठीक लग रहा है, काफ़ी ठंडा हो गया है। अरे पौधे पेड़ भी देख सकते हैं कैसे हो गए। तो चलिए चलते हैं, चाय पीते हैं। और आज मैं ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊंगी, मौसम अच्छा है तो मैं बनाने वाली हूँ कचौड़ी। तो मैंने रख दिया है आलू बॉईल होने के लिए, सीटी आने वाली है। और अभी बज रहे हैं 8:30, और इधर बन रही है मेरी चाय फेवरेट वाली, अदरक वाली। तो मैं पीऊँगी गर्म पानी, तो यहाँ ले लेती हूँ अपना गर्म पानी। ये केटली दिखाई थी आप लोग को, इसी में गर्म किया है। और ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, मुझे मिक्स करना पड़ेगा। तो थोड़ा कर लेती हूँ मिक्स। पी के देखती हूँ अभी गर्म है। अब ठीक है, थोड़ा चाय की जैसा ही थोड़ा पीना चाहिए। और इधर देखिए मैंने बर्तन धुल के रखे थे रात में, वो हैं आधे तो मैंने रख दिए हैं, और ये दूर आ गया है। तो इसको कितना सुबह सुबह काम होता है। चाय ले लेती हूँ। थोड़ी चाय ठंडी होगी तब तक मैं सीटी भी आ गई है। और हमारे यहाँ कचौड़ी सबको बहुत पसंद है, मौसम भी है सुहाना, तो हो जाए क्रिस्पी कचौड़ी, है ना। तो यहाँ देखिए ये चाय हमने ले ली गरम गरम, उधर आ गई है। हेलो गुड मॉर्निंग, कैसी हो? बहुत ठंड हो गई है ना कबूतर, कितनी प्यारी है ना, बोलो घू 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 बोलो। यहाँ पे कबूतर बहुत है, यहाँ कौवा नहीं होते हैं। अपने यूपी में कौवा होते हैं ना, यहाँ पे कबूतर। और ये इतना परेशान करते हैं कि ये देख रहे हो आप लोग, ये जाल लगवाया है, नहीं तो ये अंदर आके पूरे घर में घूमते हैं। इतने देख रहे, पूरा जाल लगा रखा है, मतलब जो ये तूफान आया था ताऊते, ये कल पूरे गुजरात पे था, पूरे दिन रात और दिन पूरा गुजरात पे था। कल रात में 11 बजे के आसपास गुजरात से राजस्थान की साइड चला गया है, और अब यहाँ पे ठीक है, लेकिन अभी बादल छाए हुए हैं। और कल तो क्या हवाएं चल रही थी, आप सबको मैंने कल के वीडियो में दिया था ना, कितनी तेज़ हवाएं थी। और मतलब ये ग्लासेस बंद करने के बाद भी इतनी आवाज़ आ रही थी, मैं तो डर लग रहा था कि कहीं कि अंदर पूरा तोड़ फोड़ हो जाएगी, ऐसा लग रहा था। बाप रे, बहुत डर लग रहा था। सारे मतलब जो अभी आपको फ्लैट में सामने दिखाया ना, तो सारे गमले लोगों ने उस पर रखे थे, बाउंड्री पे मैंने भी रखा था। तो वो एक दो लोगों के तो नीचे गिर गए, तो फिर सबको बोला गया कि आप लोग अपने गमले अंदर ले लो, नहीं तो नीचे अगर गिरेगा कोई जा रहा होगा तो उसको चोट लग जाएगी। तो बाप रे, कल तो बहुत ऐसा तो हमने देखा नहीं कभी, ये तो पहली बार इतना भयानक वाला तूफान आया था। और इसने बहुत ज़्यादा बर्बादी, मतलब
इतना नुकसान हुआ है, सब जान माल सबका बहुत नुकसान हुआ है। और ये अब इतने एक तो ऐसे तूफान चल रहा है कोरोना का, ऊपर से ये और एक तूफान, मतलब क्या होगा क्या होने वाला कुछ समझ में नहीं आता है। बहुत टेंशन सी लगती है कि बाप रे क्या होगा लाइफ में। अभी सुबह सुबह का टाइम है और मेरे अभी भाई साहब को लोग को अजीब सी लग रही होगी। थोड़ा पानी पीऊँगी, चाय पीऊँगी तब ठीक होगा। तो चलिए मैं पी लेती हूँ चाय और मैं देखती हूँ मुझे आज क्या वीडियो डालना है पुष्पलता किचन पे। तो अभी मैं पुष्पलता किचन का वीडियो बनाऊँगी। अभी हमारे यहाँ सब लोग सो रहे हैं जो कि थोड़ा लेट उठते हैं, और इनकी इन्होंने ली है छुट्टी, और क्योंकि अभी एक महीने से कंटिन्यू काम कर रहे थे, शटडाउन था, तो अब इन्होंने छुट्टी ली है, तो ये आराम है, घर पे आराम कर रहे हैं। तो चलिए मैं मिलती हूँ फिर ब्रेकफास्ट के साथ आप लोगों के, और बनाऊँगी वो अच्छी वाली कचौड़ी, खस्ता कचौड़ी। बाय बाय फ्रेंड्स। अभी मेरे सारे काम हो चुके हैं घर के, जो नहाना धोना बाकी सारे काम, तो और अब मैं जा रही हूँ किचन में और अब मैं बनाऊँगी टेस्टी टेस्टी कचौड़ी। तो आप सब भी रेसिपी देखिए और बनाइए और खाइए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी कचौड़ी कैसी बनी। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है आटा, यहाँ पे लगभग 2 कप के करीब मैंने आटा लिया है, और अब हम इसके अंदर डालेंगे नमक और ऑयल डालेंगे। आप घी भी डाल सकते हैं, ऑयल भी डाल सकते हैं। उसके बाद हम इसका मोयन लगाएंगे अच्छे से, और अच्छे से इतना मोयन लगाना है कि ऐसे अगर आप मुट्ठी लगाएं तो मुट्ठी लग जानी चाहिए, तब इसका मतलब कि आपका मोयन परफेक्ट बना है और आपकी जो कचौड़ी है वो खस्ता बनेगी। तो अब मैं थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना पानी ले तो ज़्यादा अच्छा है, और उससे हम इसका डो रेडी कर लेंगे और इसको 10 मिनट का रेस्ट देंगे डो को, ताकि अच्छे से डो रेस्ट हो जाए, और फिर उसके बाद हम जो है कचौड़ियाँ बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के डो रेडी कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर मैं जो हूँ इसको रख दूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ, और इसका जो डो होगा वो जो है थोड़ा सा सॉफ्ट रखना है, ताकि जो कचौड़ियाँ हैं वो फटे नहीं। तो यहाँ पे डो रेडी हो गया है, तो अब मैं इसे सेट होने के लिए रख देती हूँ। यहाँ पे मैंने आलू बॉयल कर लिया था, उसको मैश कर लिया। इसके अंदर मैंने कूटा हुआ जो है सौंफ डाला है, और कूट के पीस के हमें डालना है, और उसके बाद जो भी आप मसाले पसंद करते हैं वो डाल लें, और सौंफ ज़रूर डालें, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और हरा धनिया पत्ती हो तो वो भी डाल लें आप। तो चलिए अब कचौड़ियाँ बना लेते हैं। तो मैंने एक बार बेल लिया है और भर लिया है, और अच्छे से, और इसको एकदम लो टू मीडियम फ्लेम पे ही सेकना होता है। तो इस तरह से छोटी छोटी कचौड़ियाँ हम बनाएंगे। यहाँ पे इसको थोड़ा सा बेल लेंगे, और उसके बाद इसमें स्टफिंग जो हमने बनाई थी वो भर लेंगे, और फिर हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे सेक लेंगे। यहाँ देख सकते हैं सेक रही हूँ मैं, एकदम लो टू मीडियम पे है, और कितनी क्रिस्पी बनी है एकदम, देख सकते हैं। बाज़ार से भी अच्छी एकदम बहुत ज़्यादा टेस्टी वाली कचौड़ी है ये। आप चटनी के साथ, सॉस के साथ, अचार के साथ, चाय के साथ खा सकते हैं इसको, और बहुत टेस्टी बनी है। तो अब मैं सबको मैंने खिला लिया है, उसके बाद अब मैं खाऊंगी। तो मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ यहाँ पे। तो देखिए कितनी, थोड़ा गरम है मुझे, क्योंकि गरम गरम पसंद है। तो देखिए यहाँ पे कैसी आवाज़ आ रही है टनाटन। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी और ब्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा, क्योंकि आज मैंने बहुत सारी चीज़ें सुबह से आज मैंने शेयर की आपके साथ, किस तरह से मैं करती हूँ। मिलती हूँ फिर मैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना सारा बहुत सारा ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।